हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए HRDC की जर्नी वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है और इस वीडियो में हम एक ऐसे रूट की जर्नी करेंगे जो कि HRDC का कोई परमानेंट रूट तो नहीं है। ये एक स्पेशल रूट है जिसे HRDC हमीरपुर डिपो के द्वारा डिग्री कॉलेज अणु के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए चलाया जाता है। ये बस रोजाना सुबह हमीरपुर से ग्लोड के लिए चलती है एंड वापसी वहां से हमीरपुर तक के सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज तक पहुंचाती है। और आज की इस जर्नी के लिए मैं HRDC हमीरपुर में कार्यरत DM सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज की जर्नी के लिए न्यू BS6 डेकोरेटेड बस को मेरी रिक्वेस्ट पर इस रूट पर अलॉट करवाया एंड मेरा डिज़ाइन किया हुआ रूट बोर्ड बस में लगाने के लिए मुझे अलाउ किया। तो चलिए बाकी बातें आगे करते हैं, फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सुहाने सफ़र पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लोड डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम अणु से ग्लोड की तरफ जा रहे हैं। हम आज ग्लोड से इस बस का सफ़र करके अणु तक आएंगे एंड आज का सफ़र हमारा कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ पैसेंजर्स एंड कुछ स्कूल के बच्चों के साथ रहने वाला है। और अभी हम ग्लोड पहुंच चुके हैं। हालांकि बस का रूट ग्लोड से अणु कॉलेज तक है, बट वो बस ग्लोड से 1 किलोमीटर पीछे से यानी दरबोड नाम जगह से मुड़ जाती है एंड वहीं से कुछ स्टूडेंट्स बस में बैठते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस जाएँगे दरबोड के लिए एंड ये है मेरे दोस्त जो आज की जर्नी में हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ ग्लोड तक आए हैं। हमारे ये भाई भी हमारे साथ जॉब करते हैं, तो इनको भी थैंक यू कि ये हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर आए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। हम पहुंच गए ब्रालड़ी नाम जगह पर। यहां पर बस आने ही वाली है, उसके बाद हम बस में बोर्ड लगाने के लिए बैठेंगे एंड फिर हम दरबोड जाएंगे। वहां हम 5 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर वहां से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी बस जिसमें आज हम अणु कॉलेज तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बस में एंड अभी बस में बोर्ड दूसरा लगा हुआ है जिसे हम अपने बनाए हुए बोर्ड से एक्सचेंज कर देंगे। तो अभी हम पहुंच गए उस जगह पर जहां से हमारी बस मुड़ जाएगी हमीरपुर को जाने के लिए और हम यहां 5 मिनट के लिए रुकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज की इस जर्नी के लिए हमने DM सर से रिक्वेस्ट करके न्यू BS6 डेकोरेटेड बस को इस रोड पर अलॉट करवाया था एंड खुद का बनाया हुआ बोर्ड लगाने के लिए भी परमिशन ली थी। और ये इस बस का फर्स्ट स्टॉपेज है, यहाँ से स्टूडेंट बस में बोर्ड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ ऑलरेडी कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बस में बैठेंगे। तो अब हमारी बस यहाँ मुड़ने के बाद रुक गई है 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो बस हमारी बाहर से डेकोरेट की हुई है एंड डेकोरेटेड बस में बोर्ड भी डेकोरेटेड ही लगा हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड में हमने कॉलेज की कुछ फ़ोटोज़ को भी ऐड किया है। तो चलिए अब बस के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो ये है हमारी बस का डैशबोर्ड एंड कैबिन व्यू है जो कि हल्का सा डेकोरेटेड भी है। कुछ स्कूल के बच्चे एंड कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स बस में बैठ गए हैं एंड कंडक्टर साहब स्टूडेंट्स के पास चेक कर रहे हैं एंड टिकट्स भी बना रहे हैं।
और स्कूल के बच्चे बस में शैतानियां करते हुए दिख रहे हैं। तो 5 मिनट बाद ड्राइवर साहब भी अपनी सीट पर आ गए एंड हमारी बस चल पड़ी हमीरपुर की तरफ। तो अभी सुबह सुबह हल्का हल्का कोहरा और साथ में धूप की कुछ किरणें भी नज़र आ रही हैं और बाइक पर चलते चलते ठंडी हवाओं के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लग रही है हमें। थोड़ी सी दूर आने पर यहाँ HRTC स्टाफ में एक अंकल के लिए भी बस को रोका, उसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ। और यहाँ भी 3-4 कॉलेज स्टूडेंट्स खड़े थे तो वो भी बस में बैठ गए एंड हम भी अब बस में आ गए। एंड अब धीरे धीरे बस में सवारियाँ बढ़ने लगी हैं, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स आने लगे हैं। ये है नारा गांव। यहाँ पहुँचते ही हमें यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे भी मिल गए जिनको हमने बस में बिठाया और फिर हम चल पड़े। थोड़ी सी दूर आकर हमें कुछ और कॉलेज के स्टूडेंट्स मिल गए एंड अब बस की 90% सीट्स भर चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यहां से राइट को टर्न लेकर आप धनेटा के लिए जा सकते हो। और फिर ब्रालड़ी में हम स्कूल के बच्चों को उतारने के लिए रुके। अब बस में सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ स्टाफ वाले ही बचे हैं एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स की आज नज़र हम पर ही है, वो भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और बस में हमें शिवम भाई भी मिल गए, उन्होंने भी हमारी वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प की, तो उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम भाई अनु कॉलेज में ही स्टडी करते हैं। थोड़ी देर में हम डुडाना गांव में पहुंच गए। इस गांव में एक भाई का घर है जो मेरे साथ ही जॉब करते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे गांव का नाम जरूर बताना वीडियो में, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हम उनका गांव का नाम ले रहे हैं। यहाँ हमें कुछ स्कूल की छात्राएं भी मिल गई। बस भी अच्छी डेकोरेटेड है।
बस में हमारी मुलाकात कुछ अणु कॉलेज की मशहूर हस्तियों के साथ भी हुई, जिनमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के शामिल हैं। टिक्कर से निकलते ही हमने उतराई उतरना शुरू कर दी एंड ये उतराई वहाँ खट ब्रिज तक होगी, उसके बाद नाल्टी तक फिर से हमने चढ़ाई चढ़नी है। नाहखट ब्रिज को अब हमने पार कर लिया है एंड यहाँ से अब नाल्टी बस स्टॉप तक चढ़ाई ही है और अब बस स्टैंडिंग मोड में हो चुकी है। ये बस रोजाना ही फुल होकर जाती है क्योंकि कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स होते हैं इस बस में। हम पहुंच गए नाल्टी बस स्टॉप पर। हालांकि नाल्टी का मेन बस स्टॉप आगे है, यहां से राइट वाला रोड पटियाड़ू विलेज की तरफ जाने को है, तो यहां पर बस रुकी एंड करीब 10 स्टूडेंट्स बस में चढ़े। उसके बाद हम चल पड़े आगे की ओर। दो मिनट बाद हम पहुंच गए नाल्टी के मेन बस स्टॉप पर। यहां से भी 2-3 स्टूडेंट्स बस में चढ़े। फिर हम चल पड़े आगे की ओर। एंड यहाँ पर हमने बस को पास दे दिया। हमने सोचा फ्रंट साइड से तो आपको दिखा ही रहे हैं, क्यों ना आप सभी को बस के बैक साइड से भी कुछ व्यूज़ दिखाए जाए। तो जैसे ही हमने बस को आगे भेजा, वैसे ही हमारे पीछे कार वाले अंकल हॉर्न बजाकर हमें परेशान करने लगे और आगे निकलने लगे। बट हमसे तो आगे निकल गए पर बस से पास लेने में नाकाम रहे, क्योंकि HRTC तो HRTC है और HRTC से पास लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर बस रुकी तो कार वाले अंकल जी पास ले पाए एंड उसके बाद हम भी आगे आगे चल पड़े। जब हम आगे आगे तो HRTC बस पीछे पीछे और जब हम पीछे पीछे तो HRTC बस आगे आगे। मुझे लगा आप बोर हो रहे होंगे तो कुछ मस्ती कर ली जाए। और जैसे ही हमें लगा कि यहाँ बैक साइड व्यू अच्छे आ सकते हैं, वैसे ही हमने बस को आगे भेज दिया। और भाई साहब,
यहाँ व्यूज़ मस्त तो ठीक है, बट बस ने जो रफ्तार पकड़ी है, बस हम फिर पीछे ही रह गए जब तक कोई बस स्टॉप नहीं आया। एक बार फिर से हम बस के अंदर आ गए, एंड जैसे ही हम अंदर आए तो बस तो फुल पैक हो चुकी है, पांव रखने के लिए भी जगह नहीं बची है अब तो बस में। और ये जो भाई फोन चला रहे हैं, ये जस्सी भाई हैं, ये भी व्लॉगर हैं। एंड ये फ्रंट सीट पर बैठे हैं हमारे शिवम भाई। फिर हम पहुंच गए मसियाना बस स्टॉप पर, बट यहां पर कोई सवारी नहीं है, सवारियां हमें मिलेंगी मसियाना चौक पर, तो यहां ना रुककर हम मसियाना चौक पर रुकेंगे। ये है मसियाना चौक, यहां से राइट को फोर लेन रोड है जिसका वर्क अभी चला हुआ है। एंड यहाँ भी एक दो लोकल सवारियाँ बस में बैठी, फिर हम चल पड़े आगे को। अब बस में स्टूडेंट्स के अलावा कुछ और पैसेंजर्स भी शामिल हो गए हैं। फिर हम एंटर हो गए बजूरी में, एंड यहाँ से ये राइट को रोड बाईपास में जाकर निकलता है। एंड फिर हम बजूरी बस स्टॉप पर पहुंच गए। बजूरी के बाद हमारी बस ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, कुछ सवारियां बस स्टैंड में उतर जाएंगी, तो बस स्टैंड में कुछ स्टूडेंट्स इस बस में कॉलेज तक जाएंगे। और ये है बजूरी का पेट्रोल पंप,
एंड दोस्तों, आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले YouTube की तरफ से चैनल के लिए ज्वाइन फीचर मिला है, जिसे अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज्वाइन करके आप मेरे चैनल के अमेजिंग पर्क्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको पर्क्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको लिंक शो हो रहा होगा एंड वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। और आप डायरेक्ट भी मेरे चैनल को ओपन करके ज्वाइन बटन पर क्लिक करके पर्क्स को चेकआउट कर सकते हो एंड जो आपको अच्छा लगे उन पर्क्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पहुंच गए HRTC वर्कशॉप के पास एंड यहां लेफ्ट में हिमसुता बस खड़ी है और साथ ही हरियाणा रोडवेज की बल्लभगढ़ हमीरपुर वाली बस भी यहां पहुंच गई है। और फिर हम ISBT हमीरपुर में पहुंच गए। यहां हम 2-3 मिनट रुकने के बाद अनु कॉलेज के लिए चल पड़ेंगे। दो मिनट बाद हम चल पड़े अनु को। एंड हमारी बस के पीछे आ रही है हमीरपुर से अनु कॉलेज वाली बस। ये बस भी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए चलाई जाती है। दोस्तों, आपने मुझे अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड स्पेशली अनु कॉलेज के स्टूडेंट्स, फॉलो ज़रूर करें मुझे एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आपके कॉलेज की स्पेशल बस का वर्चुअल ब्लॉग आप सभी के लिए मैंने बनाया है।
एंड यहाँ बस स्टॉप पर अमीरपुर से अवा देवी वाली बस भी रुकी हुई है। और अनु से थोड़ा पीछे हमें धर्मपुर से जम्मू वाली बस भी मिल गई। ये है शिव मंदिर चौक एंड यहाँ से राइट वाला रोड वाया पक्का रो होते हुए नादौन जाने के लिए है। एंड फाइनली हम पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन यानी कि अनु कॉलेज के पास। तो दोस्तों ये थी आज के इस स्पेशल रूट की जर्नी। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके एक कमेंट से हमें कुछ सीखने को और कुछ मोटिवेशन भी मिलता है एंड हमें अपनी गलतियों का भी पता लगता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं आपको एक नए सफ़र और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।